सबसे ज्यादा चुनौती इस दुनिया में कौन सामना करता है? मुझे लगता है युवक युवतियां। आज जब हम उस पड़ाव को पार कर कर इस उम्र तक पहुंचे हैं, हमें लगता है कि वो युवक युवती होना सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौतीपूर्ण समय का सामना हम कैसे करें ताकि हमारा जीवन आनंदमय या आनंददायक हो, आज हम उसी के बारे में चिंतन करेंगे। तो आपका मैं स्वागत करता हूं ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में, आपका स्वागत है। इन दिनों मेरे पास युवक युवतियों का मैसेज आते रहा है कि फादर जी हमारे लिए एक वीडियो बनाइए, क्योंकि हम आज विशेष रूप से इस महामारी के समय में हम बहुत ज्यादा दबाव का सामना कर रहे हैं और हम बुराई की ओर जा रहे हैं, अब हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। मैं उनके इस निवेदन पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देता हूं, उन युवक युवतियों को जो ये मांग किए हैं। युवक या युवती कौन है, हम सभी जानते हैं। यदि आप उस पड़ाव को, उस समय को पार कर लिए हैं तो भी आपको मालूम है, या आप आज युवक युवती हैं तो भी आपको मालूम है। वास्तव में युवक या युवती होना सबसे बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि इस उम्र में बड़े लोग हमसे कहते हैं तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, अभी तुम्हें निर्णय लेने का उम्र नहीं है, तो मेरी बात सुनो, हम जो कहेंगे वही मानो। हम बोले ठीक है। वही बड़े लोग कुछ समय बाद में आके कहेंगे तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें ये सब मालूम नहीं, तुम्हें सोच विचार करके ये सब निर्णय लेना चाहिए, ये सब करना चाहिए। अभी युवक और युवती असमंजस में है, कंफ्यूजन में है, मैं बड़ा हूं या छोटा हूं। वही लोग जो कुछ समय पहले मुझसे कहे कि तुम छोटे हो, वही लोग कुछ समय बाद मुझसे आके कहते हैं कि तुम बड़े हो गए हो। इस कंफ्यूजन में रहकर युवक युवतियों को समझ में नहीं आता है कि हम कौन हैं। वो कंफ्यूजन में रह जाते हैं, हमें पता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, मैं कौन हूं, वे ढूंढते हैं। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे युवक युवतियां गलत रास्ते पर जाकर अपना एक आइडेंटिटी बनाते हैं, एक आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, आप कौन हैं, मैं कौन हूं, हमसे कौन हमें बताया, आप कौन हैं। ये जवाब आपको कौन दिया? आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, और जब आप स्कूल गए, स्कूल के टीचर्स दिए होंगे। यदि आप कोई चर्च जाते हैं, वहां फादर या सिस्टर या अन्य कुछ लोग आपको बताए होंगे कि आप ये हैं। हम इन सभी की, इन सभी बातों को, उनके जो विचार हमारे बारे में है, वो जो हमारे ऊपर फेंके हैं, भले नकारात्मक हो सकारात्मक हो, उसको हम लेकर अपने अंदर कर दिए, हम उन बातों को अपना लिए और हम उसके अनुसार व्यवहार करने लगे। उन लोग बोले कि तुम बहुत बुरे व्यक्ति हो, क्योंकि वो जो कहे आपसे आप उस बात को नहीं माने तो आप बुरे होंगे। तो वो आपसे कहते रहे तुम बहुत खराब आदमी हो, बहुत बुरे हो, कोई लायक के नहीं, तुम कोई काम के नहीं। ये बात हमारे अंदर चलते 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 हम उसी बात को अपनाते हुए हम अपने आप से कहते रहे मैं कोई भी काम का लायक नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं इस दुनिया में जीने लायक नहीं हूं। इसलिए बहुत सारे युवक युवतियां अभी केवल नहीं, पहले से ही आत्महत्या क्यों करते हैं, यही है। उन लोग घर में देखते हैं माता पिता उनकी तुलना अपने भाई बहनों के साथ करते हैं, या पड़ोसी के बच्चों के साथ करते हैं, या स्कूल के कोई बच्चों के साथ करते हैं, और कहते हैं कि देखो तुम उसके जैसे नहीं हो, वो देखो वो कितना मार्क लाया है, वो कितना अच्छा व्यवहार करता है, तुम भी कोई लायक नहीं, मुझे तुम दुख देते हो। ये सब बच्चों के दिल को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचाता है, चीर देता है।
भले वो आपके सामने कुछ ना करे, भले वो गुस्सा करके चले जाए, लेकिन जब वो अकेले चले जाते हैं ना, उनका दिल टूट जाता है। उनको समझ में नहीं आता है कि मैं वास्तव में कौन हूं, मैं कहां जाऊं। चलो, माता पिता तो हमें धक्का दे के बाहर कर दिए, मुझसे कह दिए कि तुम कोई लायक नहीं हो। और कभी कभी माता पिता यहां तक कह देते हैं कि मैं दुखी हूं कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो। अब कितने माता पिता इसे कहे, मैं स्वयं मेरे कानों से सुना, वो बच्चा, वो युवक या युवती जो आप पर निर्भर रहते हुए अपना जीवन यापन करता आ रहा है या आ रही है, उसके साथ क्या बीतेगा। अभी रही बात, यहां से वो बाहर निकला, घर से हो गया, चलिए कॉलेज गया। कॉलेज में भी देखता है कि उसके दोस्त लोग उसको दरकिनार करने लग जाते हैं, तुम हमारे जैसे नहीं बनते हो, तुम सिगरेट नहीं पीते हो, दारू नहीं पीते हो, लड़कियों को छेड़ते नहीं हो या और कुछ नहीं करते हो, चलो तुम हमारे लायक नहीं है, चलो। उसको अभी उनके साथ चलना है, उनके दोस्तों के बीच में ही दोस्त बनकर रहना है, तो उन लोग जो चाहते हैं उसमें इसको करना पड़ेगा। अपेक्षा, माता पिता भी इसके ऊपर कुछ अपेक्षा रखे, तुम इसको करोगे तब तुम हमारे बेटे बेटी हो। और अभी ये समाज यानी कॉलेज में इनके दोस्त लोग इसके ऊपर दबाव डालते हैं कि तुम्हें ये सब करना पड़ेगा तब तुम हमारे मित्र हो, हमारे फ्रेंड हो, अन्यथा नहीं, तुम बाहर निकलो, चलो। कितने सारे युवक युवतियां आज दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अपना हेयर स्टाइल अलग अलग रखते हैं, अपना पहनावा अलग अलग रखते हैं। इसका कारण अधिकांश उनके दोस्त लोग हैं, क्योंकि हमारी एक पहचान होनी चाहिए, हम दोस्त लोगों की एक पहचान होनी चाहिए। तुम ऐसे बनो तब हमारे साथ आओ, नहीं तो हमारे साथ नहीं आ सकते, चलो बाहर जाओ। अभी उसको एक निर्णय लेना पड़ेगा, यदि मुझे इनके साथ चलना है तो उन लोग जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार मुझे चलना है, नहीं है तो मुझे अकेले रहना है। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, जो माता पिता से भी अलग हो गया एक प्रकार से, यहां दोस्तों के द्वारा भी अलग किया जा रहा है, ये लड़का या लड़की या युवक या युवती क्या करेगा अपने जीवन में। अधिकांश लोग जाके आत्महत्या करते हैं, या इन लोग कुछ लक्ष्य रखे, उस लक्ष्य को पा नहीं पा रहे। बहुत अच्छा पढ़ने वाले बच्चे अच्छा पढ़ना चाहते हैं, घर में पैसा नहीं, माता पिता बोलते हैं चलो तुम्हारी पढ़ाई सब हो गई, तुम जो पढ़ाई की हो उसके अनुसार नौकरी करो, नहीं है तो वो सब छोड़ो, यहीं रह के कुछ काम करो, पढ़ाई सब बंद करो, अभी पढ़ाई ना, उनको नहीं पढ़ा सकता। उनका दिल टूट जाता है, उन अपने आप को मार के अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए चले जाते हैं। मैं अभी तक युवक युवतियां जो चुनौतियों का सामना करते हैं उसको मैं बता रहा हूं, इसका उपाय या निवारण कहां है। क्या हम माता पिता को दोष दे सकते हैं? नहीं। भले मैं इतनी सारी बातें मैंने कही है, लेकिन हम माता पिता को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वे कभी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे गलत रास्ते पर चले, वो बुरे बन जाए। कोई भी माता पिता अपनी संतानों के लिए नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे बने, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को समझाएं। उन लोगों के मन में यह डर है कि हमारे बच्चे हमारे जैसे ना बन जाए, इस डर से उन लोग अपने बच्चों पर दबाव डालने लगे, एक गलत रास्ते को अपनाते हैं, गलत तरीके को अपनाते हैं अपने बच्चों को समझाने के लिए। वास्तव में हमारे माता पिता गलत है नहीं, गलत नहीं है। हम कोई भी एक समस्या का हल निकालने के लिए, चुनौतियों का रास्ता निकालने के लिए हमें कौन गलत है ये नहीं देखना चाहिए, हमें यह देखना पड़ेगा कि गलत क्या है और सही क्या है, कौन है इसमें बात होनी ही नहीं चाहिए। नहीं तो हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते रहेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, जिंदगी बर्बाद करेंगे। यदि आप एक माता पिता हैं
तो आप अपने ऊपर दोष मत डालिए, अपने आप को दोषी मत मानिए। मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूं। यदि आप युवक युवती हैं, आप भी यदि आपके मन में अपने माता पिता के बारे में कुछ गुस्सा है, सबको त्याग दीजिए, क्योंकि आपके माता पिता अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए कुर्बान किए हैं। आप इस बात को अभी नहीं समझेंगे। जब आप स्वयं एक माता पिता बनेंगे तब आप इस बात को समझेंगे, अभी आप नहीं समझेंगे। तो अभी इसके लिए हल क्या है, इसका हल क्या है? तो उसके लिए मैं पवित्र वचन से एक घटना हम लेते हैं, उस पर उस घटना के माध्यम से हम इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 22 तक। ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों करते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है, जाओ अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यह घटना हम बहुत बार सुने हैं। एक युवक यीशु के पास आकर पूछता है, मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यही तब प्रश्न। इस प्रश्न को हम पलट कर भी डाल सकते हैं, मुझे जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे जीवन में अर्थ पाने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे अच्छे व्यक्ति बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो यीशु उसका जवाब देते हैं। यीशु नियमों को बताते हैं, इन नियमों का पालन करना चाहिए। ये सब कुछ नए नियम नहीं है, ये सब आज्ञाएं पुराने ग्रहण में हम देखते हैं। ये सुनी बातों को उनके सामने रखे और वो युवक बोला, गुरुवर, मैं इन सभी बातों को तो बचपन से ही करता आ रहा हूं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। बाइबल में इस जगह को छोड़कर ये बात कभी भी ये नहीं कहा गया कि यीशु के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा, तरस वो आया, ये सब बातें हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन उनके हृदय में किसी के लिए प्रेम उमड़ पड़ा ये वाक्य शायद बाइबल में और कहीं भी नहीं है। यीशु के बारे में पहली बार एक व्यक्ति को देखकर उस प्रभु यीशु के मन में प्रेम उमड़ पड़ता है। यीशु सोचे होंगे, इतना अच्छा है, बहुत भले पहुंचे, लेकिन यीशु से कहते हैं, तुम्हें एक बात की कमी है, क्या करना चाहिए? तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब बेच दो, गरीबों को दे दो और तुम्हें स्वर्ग में ये सब पूंजी रखी रहेगी, तुम्हें सब वहां मिल जाएगा। उतना ही नहीं, तब आकर मेरा अनुसरण करो, तब आकर मेरा अनुसरण करो। अभी आप सोच रहे होंगे कि फादर, अभी शुरू में जो जो समस्याओं का पता है और ये एक बाइबल से घटना आप हमारे सामने रख रहे हैं, इन दोनों का तो कोई संबंध नहीं है। है संबंध। ये नव युवक अपने जीवन में खुशी, आनंद, प्यार, तृप्ति और भी बहुत सारी चीजों को ढूंढता है। किसमें? पैसा में ढूंढता है,
यीशु कह रहे हैं नहीं, वैसे संभव नहीं है। आपको प्यार चाहिए, आपको मन की शांति चाहिए, आपको अपने जीवन में एक संतुष्टि चाहिए, ये सब धन दौलत से नहीं मिलता, संबंध से मिलता है। किसके साथ संबंध से? सबसे पहले ईश्वर के साथ संबंध से। हमारे बहुत सारी चुनौतियां, समस्याओं का गढ़ या स्रोत क्या है मालूम? हमें नहीं पता है कि हम कौन है, हमें नहीं पता है कि हम कौन है। हमारे माता पिता, हमारे समाज, हमारे गुरुजन हमें बताए कि हम बुरे हैं, हम अच्छे हैं, हम गधे हैं, हम कुत्ते हैं, हम वो हैं, ये हैं, कितने सारे नाम हम सुनते हैं। समाज ये सब बातें हमसे कही है और हम इन सब को सुनकर रख दिए और हम मान लिए हाँ मैं यही हूं, लेकिन वास्तव में वो नहीं है। तो आप कौन है, आप कौन है, इसका जवाब कौन दे सकता है? ना आपके माता पिता से दे सकते हैं, आपके माता पिता के माता पिता यानी दादा दादा नाना नानी, आपके माता पिता को भी ऐसे ही उनका भी पालन पोषण किए हैं। मुझे गलत मत सोचिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा हम दोष किसी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसे ही परंपरा चलती आ रही है, तो चलती आ रही है, कहीं ना कहीं इसको रोकना पड़ेगा हमें। आपको अकेले एक व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, अकेले एक व्यक्ति के पास आपको रहना पड़ेगा। कौन है वो व्यक्ति? ईश्वर। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में ईश्वर कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये किसकी बात है? ये सर्वशक्तिमान ईश्वर की बात है, ये सारे संसार को रचने वाले उस विश्व मंडल के प्रभु की वाणी है, उनकी बात है। वो आपसे कह रहे हैं तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो। भले आपके माता पिता आपसे कहें तुम कोई काम के लायक नहीं हो, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें जन्म दिया, हमारे बहुत सारे माता पिता इसे कहते हैं, लेकिन ईश्वर सर्वशक्तिमान परम पवित्र ईश्वर कहता है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। देखिए एक एक श्रेणी आगे बढ़ती जा रही है, तीन बातें ईश्वर कह रहे हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो एक, और आगे कहते हैं और महत्व रखते हो। मूल्यवान हो केवल नहीं, महत्व रखते हो, यानी तुम जो कुछ करते हो उससे मुझे भी प्रभाव पड़ता है, तुम मेरे लिए महत्व रखते हो, और उसमें भी ईश्वर रुकते नहीं है और एक कदम आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इतना मूल्यवान है आप ईश्वर के लिए। ये बात हम कहां सुनेंगे? क्योंकि हम माता पिता के बीच में हैं, दोस्तों के बीच में हैं, हम समाज में हैं, हर जगह तो लोग स्वयं एक प्रकार से टूटे हुए हैं, स्वयं अंधे हैं, स्वयं बिगड़े हुए हैं। हम उनके बीच में जाके या उनसे जाके हम कैसे शांति पाएंगे? उनके पास जाकर हम कैसे हमारी पहचान ढूंढेंगे? अपनापन उनके पास जाकर हम कैसे पाएंगे? इसलिए मैंने कहा हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसके पास जाना है, कौन गलत है, कौन सही है, नहीं। अब ये कार्य करना शुरू करिए, ईश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से आप कुछ समय हर दिन बिताइए, आप उनके संरक्षण में जाइए, उनके अधीन में रहिए, उनसे सुनिए ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं कि आप कौन है, दुनिया क्या करती है, माता पिता क्या करते हैं, आप क्या सोच रहे हैं अपने बारे में। कोई भी इन सभी बातों को कोई मूल्य नहीं है, एक ही व्यक्ति की बात मूल्यवान है और महत्वपूर्ण है, वो है जिसने आपकी सृष्टि की है, स्वयं ईश्वर। एक छोटा सा माउस है, लैपटॉप का या पीसी का माउस है, हम इस माउस को हमारे गांव के कोई बुजुर्ग व्यक्ति को दिखाएं और पूछें दादा ये क्या है आपको मालूम है, क्या बोलेंगे? नहीं बेटे क्या चीज है,
अच्छा तो दिख रहा है, क्या चीज है उनको नहीं मालूम। और सबसे पहले जब ये दुनिया में आया यानी बनाया गया, सबसे पहला माउस, किसी को भी मालूम नहीं था कि क्या चीज है, इसका प्रयोग क्या है, किसको मालूम था जिसने इसका आविष्कार किया, उसको मालूम था इसका नाम क्या है, इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, कैसे उपयोग नहीं करना चाहिए, जिसने इसको बनाया उसी को ही मालूम था। और रही बात अभी, आपको किसने बनाया, आपके माता पिता नहीं बनाए, आपके माता पिता आपको नहीं बनाए, ईश्वर ने आपको बनाया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 अब पूरा उसको पढ़िए, बहुत अच्छा लगता है। जब भी आपको दुख लगे ना, आपको लगे कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, अच्छा नहीं दिखता हूं, आप इस स्तोत्र को पढ़िए, अध्याय 139 भूलना नहीं। उसमें राजा दाऊद लिखते हैं, जब मैं मेरे मां के गर्भ में गढ़ा जा रहा था, बनाया जा रहा था, तब भी तुम मान गए, कौन यीशु, तुम अपने हाथों से मुझे बनाया है, मुझे रूप दिया है, ईश्वर हमें बनाए हैं, हम अपने आप ऐसे नहीं आए हैं, हम अपने आप नहीं आए हैं, ईश्वर आपको बनाए हैं, सर्वशक्तिमान आपको बनाए हैं। और हम गलत लोगों के पास जाकर अपना परिचय, अपनी जानकारी, अपनी आइडेंटिटी हमने ढूंढी गलत लोगों के पास। यदि यह माउस जाकर कोई जानता ही नहीं है कि ये क्या है, उसके पास जाकर ये माउस पूछे, सर मुझे बताइए कि मैं कौन हूं, क्या बताएगा, तू तो एक खिलौना है। और घर के एक छोटे से बच्चे को बुलाकर, बेटा ले खेलो, खिलौना है दे देंगे, और ये माउस क्या सोचने लगेगा, हाँ मैं खिलौना हूं। यही बात आपके साथ और मेरे साथ हुआ है और होता भी है। हमें ईश्वर के पास जाकर पूछना है कि हम कौन हैं, हमारा महत्व क्या है, हमें ईश्वर के पास जाना है। मैं आपसे एक ही कार्य करने के लिए कह रहा हूं, ईश्वर के पास जाना। जो कल्पना आप किए हैं ईश्वर के बारे में वो सबको कचरा में डाल दीजिए, जो आइडिया आप ईश्वर के बारे में रखे हैं उसको लेके फेंक दीजिए, जो कुछ लोगों से आप ईश्वर के बारे में सुने हैं वो सबको त्याग दीजिए, अब ईश्वर के पास जाए। गलत फहमी बहुत सारे लोगों के मन में है, ना केवल अपने बारे में, ना लोगों के बारे में, ना दुनिया के बारे में, ना जीवन के बारे में, ईश्वर के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां हैं। सच आप उनके पास जाए, आप कोई भी सोच उनके सामने मत रखिए, आप केवल गलत कहिए, आप उनसे कहिए ईश्वर मेरे पिता, आपने कहा है कि आप मेरे पिता हैं, मैं आपके पास आया, मैं कौन हूं मैं नहीं जानता, आप कह रहे हैं कि मैं आपका बेटा हूं, बेटी हूं, मुझे अनुभव नहीं होता, उनके पास बैठिए। आप केवल इतना ही कहिए, उससे ज्यादा मत कहिए, यानी ज्यादा समय आप लेना नहीं बोलने में, सुनने में ज्यादा समय व्यतीत करिए, ईश्वर की सुनना सीखिए, उन्हें भी बोलने दीजिए, उनकी बातों को सुनिए, वे क्या करना चाहते हैं, आप कौन हैं, उसको हमें सुनना है। हम अधिकांश हमारी प्रार्थनाओं में सुनते नहीं है, समस्या ही है, वो आदत हर जगह पर आती है। माता पिता की सुनते नहीं, माता पिता बच्चे की सुनते नहीं, बच्चे टीचर्स की सुनते नहीं, बड़ों की हम सुनते नहीं, क्योंकि ये कहां से शुरू हुआ, हमारे ईश्वर के साथ संबंध से शुरू हुआ, हम बोलते हैं सुनते नहीं। और जब सामने वाला बोल रहा है, यदि हमें लगे कि हम सुन रहे हैं, उस समय भी क्या हो रहा है, हमारे दिमाग में चल रहा है, इसके लिए मैं क्या जवाब दूंगा, वो मुझे मेरे बारे में ऐसे ऐसे कह रहा है, या अन्य कोई चीज के बारे में ऐसे ऐसे कह रहा है, मैं इसको क्या जवाब दूं, क्या हो रहा है, दिमाग में पहले से प्लानिंग चल रहा है। हम सुनते नहीं है, समझने के लिए हम सुन नहीं रहे हैं, जवाब देने के लिए हम सुनते हैं, समस्या वही है। आने वाले दिनों में हम गहरे रूप में अन्य क्षेत्रों के बारे में भी मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, लेकिन मैं आपसे कहूंगा एक कार्य आप हर दिन अपने दैनिक जीवन का एक अहम अंग बनाइए, आप ईश्वर के समीप जाइए, उनकी सुनना सीखिए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाए,
और आप अपने आप को पाएंगे कि आप कितने सुंदर हैं। भले आप काले होंगे, दुनिया कहेगी नहीं फेयर एंड लवली का उपयोग करो, गोरे हो जाओ, नहीं, आप रूप रंग बदलने की जरूरत नहीं। ईश्वर जो आपको बनाए क्या कहे आपसे, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। दुनिया कुछ भी कहे, जैसे हम कहते हैं ना, उसको बाढ़ में जाने दो, दुनिया को बाढ़ में जाने दो, अब केवल ईश्वर की सुनो। और ईश्वर कभी गलत रास्ते पर नहीं ले सकते। और ईश्वर जो कह रहे हैं कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, क्या मूल्य है, केवल शब्दों से नहीं कहे। जैसे आप किसी से प्यार करते हो, आप जाके कहते हैं, अरे देखो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा वो कर दूंगा, अरे कुछ नहीं होने वाला है। ईश्वर कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। यह मूल्य क्या है? ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर अर्पित करके, उनके लघु देकर आप खरीद कर कहे तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। आपका मूल्य स्वयं ईश्वर का जीवन है, आपका मूल्य प्रभु यीशु का पवित्र लघु है, वही है आपका मूल्य। कोई साधारण खिलौना नहीं है आप, यहां से उधर लात मारे, उधर से इधर लात मारे, नहीं है आप उसके लिए। अब इतने मूल्यवान है ईश्वर की दृष्टि में। इस सच्चाई को, इस वास्तविकता को आप अपनाइए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, आप जरूर अपनी आंखें बंद करिए, देखते मत रहिए फादर कैसे क्या क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वास्तविक रूप से बंद करिए, पूर्ण रूप से अपने अंदर जाएंगे। यदि आप कहीं भीड़ में हैं, यदि हो सके तो आप अकेले जाइए अपने कमरे में, कमरा ताला लगा दीजिए, अपने कमरे में पूर्ण रूप से सुनिए, यहाँ की बंद करिए, अपने आप अंदर में जाइए, गहराई में जाइए। आप देखिए आपके मन में आपके बारे में क्या क्या विचार आ रहे हैं, आप पूर्ण रूप से अपने शरीर का अनुभव करें, कहीं टेंशन है, कहीं दबाव लग रहा है शरीर में, कहीं पकड़ है, दबाव है, कहीं अनुभव करिए, स्वयं अपने साथ रहिए आप, और कहीं मन चाहिए यही रखिए, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं और आप अपने साथ, आप ईश्वर हमारे साथ। आपके अंदर जो जो घाव है, माता पिता के कारण हो सकता है, भाई बहनों के साथ हो सकता है, आप यदि किसी से प्यार करते हैं उस व्यक्ति के कारण हो सकता है, स्वयं आपके कारण हो सकता है, उसको आप स्वीकार करिए, कहिए हाँ मेरे शरीर में, मेरे मन में भी, मेरे हृदय में भी घाव है, मैं भी टूटा हुआ हूं, मैं भी अकेलापन का महसूस करता हूं, स्वीकार करिए, अपनी स्थिति को स्वीकार करिए। जैसे मैंने कहा, आप ईश्वर के साथ हैं, ईश्वर यहां आपके साथ है, आप उनकी सुनना सीखिए, ईश्वर आपसे कहते हैं आपका नाम लेकर, जो भी आपका नाम है, नाम पहले सुनिए, तुम मेरी दृष्टि में मूल्य हो, मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो बेटा, मैंने तुम्हारी रचना की, तुम्हें बनाया, तेरा जो रूप है मैंने ही तुम्हें दी है, मैंने ही तुम्हें संभाला है, तुम मेरे लिए इतना मूल्यवान हो कि मैं मेरे इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए अर्पित कर दिया, मेरे बेटे को मैं तुम्हारे लिए दे दिया, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, तुम मेरे लिए इतना मूल्यवान हो, मेरा पुत्र इस दुनिया में आकर अपने आप को बलि चढ़ा दिया तेरे बदले, तेरे लिए, तुम्हें मेरा बनाने के लिए मेरा पुत्र अपने आप को दे दिया, बलि चढ़ा दिया, इतना मूल्यवान हो तुम मेरे लिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये केवल शब्द नहीं है, मैंने अपने पुत्र को तुम्हारे बदले में दे दिया, मैं इतना तुमसे प्यार करता हूं, मैं इतना तुम्हें चाहता हूं, तुम इतना मेरे लिए प्रिय हो, आप अपने पास प्रभु यीशु को देखिए, आपके सामने प्रभु यीशु है, आपके सामने प्रभु यीशु है, अब गले लगाइए प्रभु का, आपका मन
टूटा हुआ है, आप अकेलापन का महसूस कर रहे हैं, आपका जीवन बिखरा हुआ है, जो कल्पनाएं आपने देखा है सब एक प्रकार से चूर चूर हो चुका है, आपको लगता नहीं कि मैं जी पाऊंगा, आपको लगता है कि मुझे इस दुनिया में कोई चाहता ही नहीं है। वही प्रभु, वही यीशु जो आपके बदले में अपने आप को बलि चढ़ाए, वही यीशु आपके सामने खड़े उपस्थित है। आपको जरूर रोना आएगा, रोइए। यीशु का चुंबन करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, किस करिए। यीशु को भी आपसे प्यार करने दीजिए, उन्हें भी आपको गले लगाने दीजिए, चुंबन करने दीजिए, किस करने दीजिए। और कुछ समय ऐसे ही आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, यीशु का एक स्पर्श ही आपको पूर्ण रूप से बदल रहा है। इस वास्तविकता को अपने जीवन में हर दिन अपन हे परम प्रभु यीशु, आज हम विशेष रूप से आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। आप इस धरती पर आकर हमारी एक को बताए कि हम कितने मूल्यवान हैं। आप हमारे बदले में अपने आप को बलि चढ़ाकर आप अपने पिता के प्रेम को हम पर प्रकट किए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमें निरे मनुष्यों को अपनी संतान बनाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे बदले में अर्पित कर दिए। आपके अकथनीय इस प्रेम का अनदेखा हम बहुत बार किए, हम आपको बहुत बार दुख दिए हैं, आपके प्रेम को दरकिनार करके हम मतलबी बनकर आपके पास आकर आपको बहुत बार दुख दिए हैं, मैं क्षमा करूं। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारे मित्र हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, आप हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे शरीर में निवास करते हैं। हमने पाप करके हमारे शरीर को पाप में जीवन के लिए अर्पित करके हम हमारे शरीर को दूषित किए हैं, अपवित्र किए हैं, इस कारण आपको हम दुखित किए हैं, हमें क्षमा करिए। इतने एक ईश्वर, आज विशेष रूप से आपके इन संदानों को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं, हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु, अपने पावन लहू से हम सभी को धोकर शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, हम सभी हमारे पाप में जीवन से छुटकारा पाकर पूर्ण रूप से आपके बनने की कृपा हमें प्रदान करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। हम इसके पहले भी इस प्रकार के वीडियोस बनाए हैं, हम उसका लिंक्स देंगे। आपके जीवन में जो घाव है, दुख है, उनसे आप जरूर छुटकारा पाने के लिए वो सब आप मदद करेंगे, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं, आप जरूर उसको देखिए और अपने जीवन में ईश्वर का प्रेम का अनुभव करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना